बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं मोदी जी के और जॉर्जिया मेलोनी के। और यार ये मीम काफ़ी मजाकी हैं और मेरे को ये नहीं समझ आता ये जो किसी भी गाने के पीछे मोदी जी की आवाज़ लगा लेते हैं ये लगाते कैसे हैं। अब वो बात अलग है, मैंने सुना है कि AI के थ्रू ये ऐसा किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग से मैं बहुत बड़ी दो अपडेट लेके आया हूँ, आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ यार, जो भी लोग इनके मीम बना रहे हैं ना वो प्लीज़ सावधान हो जाए, उनके ऊपर बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी बात को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यार सच बोल रहा हूँ यार, मीम तो बड़े मजाकी हैं यार, आपने भी देखे होंगे लेकिन मैं भी देख रहा हूँ इन दिनों। पहले तो आज से 6-7 महीने पहले एक दो वीडियो आई थी, बट अभी तो लगातार वीडियो आ रही है, हर कोई भी नया गाना आ रहा है उसी गाने को मोदी जी की आवाज़ देकर और जॉर्जिया मेलोनी और मोदी जी का सीन, मतलब इनके आपस की सीन जोड़कर वीडियो बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं। तो ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। देखो सबसे पहले तो ये मीम जब से वायरल हो रहे हैं और इन दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो इनके ऊपर सबसे पहले तो जो नज़र आ मतलब निगरानी है वो पीएम हमारे पीएम साहब की भी पूरी निगरानी है, और दूसरे जो भारत का गृह मंत्रालय उनकी भी पूरी इन मीम्स के ऊपर निगरानी है, और साथ में जो इटली का राजदूत है हमारे भारत देश के अंदर उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को लेकर कड़ी निंदा की है। और उन्होंने इस चीज़ को देखा है, देखने के बाद यार एक बंदे को ऐतराज़ तो होता ही है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ना दो देशों के बीच का सिस्टम होता है, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी ऐतराज़ जताया। और जिस पर मोदी जी ने और गृह मंत्रालय ने भी उनसे ये बात की कि इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हाँ मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आप मीम्स बनाते हो या बना रहे हो तो अभी बंद कर दो, ये ना हो कि आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, आपका अकाउंट बैन कर दिया जाए या फिर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि आपको पता है ये बात कोई आम बंदे की नहीं है, आपके या मेरे जैसे के ऊपर कोई मीम बनाना, ये सीधा ऊपर वाले बंदे के ऊपर मीम बना रहे हो तो यार आपका जो है ना सिस्टम तकड़े वाला हैंग होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अभी कंट्रोल कर लें। ये तो पहला सीन था, दूसरा सीन भी मैं बताऊंगा वो भी आप सुनकर हो जाओ मेरा। तो दूसरी बात ये है कि देखो अभी जो G20 की मीटिंग हुई थी कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी के आने के बाद उनकी काफ़ी सारी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह काफ़ी वायरल हुई मोदी जी के बाद। और अभी उनका लेटेस्ट ट्वीट आया ट्विटर के ऊपर, जो उनका हस्बैंड है एंड्रिया गैम्बिनो, नाम थोड़ा सा अजीब है, बोलने भी मुश्किल है। और उनका जो अब तक का जो रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ 10 साल का रिलेशनशिप रहा है, और उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में साफ तौर पे उन्होंने ये क्लियर किया कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हूँ, मैंने जितना टाइम भी अपने हस्बैंड के साथ बिताया वो बहुत अच्छा टाइम था, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बेटी दी, और अभी मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मतलब अभी कुछ लोग इसको कनेक्ट करेंगे शायद मोदी जी का जादू चल गया जिस कारण से उसने उसको डिवोर्स दे दिया, क्योंकि मीम्स ही काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन यह इस बात के पीछे मेरे को नहीं पता कि उनके मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने डिवोर्स दिया। बाकी ये दो बड़ी खबरें थी जो मैंने देखी और मैंने सोचा एक बार तो पब्लिक के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ यार पहले तो आप ये जो मीम बनाते हैं ये शेयर ना करें, ये ना हो कि आपके ऊपर या टूटी सीधी कार्रवाई हो जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।